नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनु। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। शराब नीति मामले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत आज खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी आगे की रिमांड नहीं मांगेगी, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। ईडी ने पिछली सुनवाई में केजरीवाल की 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें 1 अप्रैल को दिन में 11 बजे अदालत में पेश करना होगा। ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया, क्योंकि उनकी वर्तमान हिरासत बृहस्पतिवार को ही समाप्त हो गई थी। ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं और अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक को ईडी ने इस मामले में 31 मार्च को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समारोह को संबोधित करेंगे। इस समारोह में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आरबीआई गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। दरअसल ये समारोह भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। वे लगातार जनसभा भी कर रहे हैं और लोगों को उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिना रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कमर्शियल बैंक, राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। आरबीआई रुपए के विनिमय मूल्य की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता के संबंध में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के विकासात्मक और प्रचारात्मक कार्य भी करता है। इनके अलावा रिजर्व बैंक भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों को भी संभालता है। इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई महारैली में विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पे लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगाया है। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग? मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च को महारैली का आयोजन किया था और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। रैली के बाद गोपाल राय ने कहा है कि सीएम केजरीवाल जेल के अंदर से और भी खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि जनता उनसे मोहब्बत करती है। और क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने, सुनिए। जिस तरह से इस देश को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर तरफ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए हर लोकतांत्रिक आवाज को कुचल रही है, जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, आज पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सम्मुख प्रमुख लीडर, पूरे देश भर से जो संविधान और लोकतंत्र के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए।
मेरे ख्याल से जिस तरह से जन सैलाब आज रामलीला मैदान में उतरा है वो इस दो बात का शंखनाद करने आया है। एक, अरविंद केजरीवाल बाहर से ज्यादा जेल के अंदर खतरनाक है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। आपने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद होंगे, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने के बाद आज से लड़ाई शुरू हुई है। पूरा देश मिलकर के इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप लोग का असली मकसद चुनाव है, आगे कैंपेन किस तरह से होगा? देखिए, आज से इस लड़ाई का आगाज हुआ है। इस बार चुनाव चुनाव नहीं है, चुनाव एक आंदोलन बन चुका है। क्योंकि एक तरफ अपार संपदा है, अपार शक्ति है, दूसरी तरफ आम लोग हैं। आम लोग, सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को, इस चुनाव को एक आंदोलन की तरह लड़ेंगे और यकीन मानिए इस देश में तानाशाही हारेगी, लोकतंत्र जीतेगा। जहां इंडिया गठबंधन एक तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ महारैली कर रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्यवाही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी, मेरी बात समझ लीजिए, मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों का, छोटे निवेशकों का, बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया गया था। आपको खुशी होगी साथियों, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए, कितने 17,000 करोड़ रुपए, कितने 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापस मिले, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है कि जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं, तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। और मैं आज मेरठ की ये धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स।